ने ही मानो सीता बन के आ रही, समझ में आया। और बोला फिर से भवमूर्ति ने कहा तमसा के माध्यम से, तमसा को कैसी दिखाई पड़ी सीता। बोले सीता को तमसा ने देखा कि लगता है कि करुणा से मूर्ति ऐसी जानकी, करुणा से मूर्ति अथवा करुणस्य शरीरिणी ऐसी जानकी, करुणस की मूर्ति मानो करुणा ने शरीर धारण कर लिया हो, यह है करुणा से शरीर ने। सीता में इतनी करुणा है, इतनी करुणा है, इतनी करुणा है कि मानो करुणा ने सीता का स्वरूप धारण कर लिया हो, अथवा विरह व्यथा की तरह सीता है, अथवा करुणा की साक्षात मूर्ति है। कौन ऐसी सीता वनम एति वनम एति वनम, समझ में आ गया। अच्छा आननम दधती है, दूसरी लाइन में दधती माने धारण करती है, आननम माने मुख को, कैसा मुख है सीता का। करुणा से मूर्ति ही कौन जानकी सीता, ठीक है। अब करुणा से शरीरणी कौन, विरह व्यथा की तरह कौन, और आननम दधती कौन, मुख को धारण करती है। अब बोले मुख कैसा है, बोले परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदर ऐसा आननम, अरे परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदर, ये विशेषण है किसका, आननम का, और आननम किसका, सीता का, और ऐसे आननम को धारण करती हैं सीता, यानी परिपांडु और पीले हो गए, पीले देखिए बहुत खुशी में आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाए तो चेहरा लाल हो जाता है, क्या होता है, और चेहरे का पीलापन ये आपके कष्ट को आपके दुख को व्यक्त करता है। भवमूर्ति ने कहा परिपांडु पीला पड़ गया है, फिर पीले पीला पर नहीं पड़ा है दुर्बल, बहुत दुबला पतला हो गया है, परिपांडु दुर्बल क्या, बोले कपोल पीले हो गए हैं, बहुत दुबले हैं कपोल, लेकिन फिर भी और ऐसे सुंदरम आननम को दधती जानकी, परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदर। इसीलिए ये श्लोक बड़ा प्रसिद्ध हो गया कि जो दुर्बल है वो सुंदर कैसे है, जो परिपांडु है वो सुंदर कैसे है। देखिए सीता के गाल कपोल परिपांडु हैं, दुर्बल हैं, लेकिन फिर भी भवमूर्ति ने कहा इन पति के विरह में, साहब सुन लेना, पति के विरह में जो कपोल दुर्बल हो गए हों वो भी सुंदर हैं, बल्कि वही सुंदर हैं, और पति के विरह में जो कपोल फूल के गुब्बारा हो गए हों या लाल हो गए हों उनमें संदेह है। मैं नहीं कह रहा, भवमूर्ति की बात बता रहा, साहब बात पचे तो बताना। यदि 6 महीने बाद जाएं और श्रीमती जी को 60 किलो का छोड़ के आए थे और 55 किलो वजन उतर जाए, समझना कि पक्की सती सावित्री पतिव्रता है और आपको बहुत प्यार करती है, क्योंकि विरह का शोक कहीं ना कहीं चाहे जितनी अच्छी सुविधा दे दें, और 60 किलो से यदि 70 किलो हो रहे हैं, हाँ इसका मतलब बहुत आपसे मतलब, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैंने तो एक बात सिर्फ आपसे बताई थी, ये मैं परिपांडु दुर्बल कपोल के संदर्भ में कह रहा हूं। मैडम बुरा तो नहीं लग रहा, किसी व्यक्ति विशेष को लक्ष्य करके नहीं कर रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा यदि किसी पर ये बात लागू हो रही हो तो। और आज इसलिए लोग विरह में नहीं है ना, उसका भी रीजन है भाई, हमारे पास व्हाट्सएप है, हमारे पास फेसबुक है, हमारे पास वीडियो रिकॉर्डर फोन है, वीडियो देख लेते हैं, तो आप ये सोच के संतोष कर सकते हैं कि नहीं ऐसे मिल सकते तो कम से कम वीडियो कॉलिंग से तो मिल रहे हैं, और ऐसे में यदि आपका वजन बढ़ रहा हो, आप सुंदर हो रहे हो तो नो डाउट आप चिंता में नहीं रहिएगा। एक बार मैं पिछली बार इस क्लास में ऐसी बात कर लिया था तो फिर कुछ 2-4 लड़कियों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि सर आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था,
तो अभी भी यदि आपको किसी को ऐसी दिक्कत हो, मैं हाथ जोड़ के सबसे विनम्रता पूर्वक मेरा कहने का मतलब कि जो दुर्बल है ऐसे कपोल सुंदर कैसे हो सकते हैं, इस संदर्भ में मैंने कहा चूंकि राम के विरह में कपोल दुर्बल हुए हैं इसीलिए भवभूति ने कहा इसीलिए दुर्बल कपोल भी सुंदर है, इसीलिए दुर्बल कपोल भी पति की विराहाग्नि में यदि पत्नी दुबली हुई है तो दुबली पत्नी ही पति को सुंदर लगेगी, क्यों? चूंकि उसकी विराहाग्नि में, ये बात मेघदूतम में भी सिद्ध हो रही है और ये बात आपको उत्तर राम चरितम में भी यही बात बताएगी। बाकी सब कुछ हंसने के लिए था, सब जो मैंने कहा वो सब झूठ है, कृपया किसी बात को बड़ी गंभीरता से ना लिया जाए। आगे आइए। परिपान दुर्बल कपोल अदधती विलोल कबरी कमा, विलोल कबरी कम, विलोल चंचल बाल, इधर उधर बिखरे हुए बाल। देखिए पति साथ में रहे, पति साथ में रहे तो आप जुल्फों को अच्छे से संवारे बात समझ में आती है, और यदि पति नहीं है और फिर उसमें रोज रोज शैम्पू लग करके और उसके बाद शैम्पू के बाद जो लगता है क्या लगता है, कंडीशनर लगता है, महकौवा तेल लगता है, बालों में भी कुछ लोग सेंट डालते हैं ताकि हमारे बाल महकें, और पति दूर देश में है तो ये कुछ ना कुछ तो संदेह अलंकार है कि परिपांडु दुर्बल कपोल दधती विलोल कबरी। इधर उधर सीता के बाल बिखरे हुए हैं और ऐसे बिखरे हुए बालों से सीता का चेहरा दिखाया भवभूति ने, और ऐसे आनंद को धारण कर रही है कौन? सीता। देखिए सीता के साथ राम नहीं है और राम के बिना सीता का स्वरूप कैसे सुंदर लगेगा। यदि भवभूति ये कहते हैं कि चांद जैसा खिला चेहरा है, कमल जैसी उनकी आंखें हैं, बहुत सुंदर उत्फुल्ल हृदय से सीता प्रवेश कर रही हैं, यहाँ भी काव्य दोष हो जाता। पति के विरह में एक विरहिणी का वर्णन खिले हुए कमलों से करना या पूर्णिमा के चांद से करना या उनका प्रसन्न चेहरा दिखाना, यह भी कवि का काव्यगत दोष होता है। काव्य में तीन गुण होते हैं तो दोष भी होते हैं, तो काव्य में दोष आ जाता यदि सीता का हंसमुख चेहरे का वर्णन होता, तो मेरे ख्याल से ये उत्तर रामचरितम के करुण रस प्रधान नाटक में ये बात सूट नहीं करती, और खासकर 12 सालों से जो पति से नहीं मिला है और पति की अनुपस्थिति में जो दुर्बल ना हो, जिसके कपोल दुर्बल ना हो गए हो और जिसके बाल बिखर ना गए हो, ऐसी किसी और प्रकार की सीता का वर्णन होता तो रस दोष होता, क्योंकि करुण रस का नाटक है और ऐसे में श्रृंगारमयी सीता का वर्णन मेरे ख्याल से यहाँ पर सूट नहीं करता और सीता के व्यक्तित्व को भी सूट नहीं करता। अब इन्होंने कहा ऐसी सीता मानो जंगल में प्रवेश कर रही, पूरा श्लोक आप तक पहुँच गया। तो परिपांड दुर्बल कपोल सुंदरम और विलोल कबरीकम ऐसे आननम को दधती कौन जानकी, करुणस्य मूर्ति कौन जानकी, करुणस्य शरीरणी कौन, विरा व्यथा की तरह कौन, ऐसी सीता जंगल में प्रवेश कर रही हैं। ये था पूरे श्लोक का भाव और ये कथन है तमसा का। 5 श्लोक जो विष्कम्भक के अंतर्गत है, शुद्ध विष्कम्भक है 5 श्लोकों तक, तो ध्यान रखिएगा 5 श्लोकों तक कोई कथन पूछे आंख मूंद के लगाना मुल्ला का, केवल यही परिपांड दुर्बल कपोल सुंदरम वाला श्लोक है जो सीता को देखकर तमसा ने कहा, बाकी 4 श्लोक मुरला ने कहे। बहुत बार सवाल होता है कि ये किसका श्लोक है, ग्लपियति परिपांडु वाला या कि पहला वाला श्लोक किसका कथन है, और हम तमसा में और मुरला में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो कहीं कन्फ्यूज़न नहीं है। 5 श्लोकों तक 4 श्लोक मुरला के हैं, केवल एक यही परिपांड दुर्बल कपोल सुंदरम किसका है, तो यही तमसा वाला। अब तमसा के आगे श्लोक मिलेंगे, मुरला का नहीं मिलेगा, तो अब मुरला वाला कंफ्यूजन यहीं से क्लियर हो जाएगा। यानी शुरुआत के 4 श्लोक मुरला के हैं, उन 4 में एक पांचवा, ये जो चौथा श्लोक है परिपांड वाला, ये तमसा का होगा। अब श्लोक मिलेंगे, पूरे श्लोकों में एक भी श्लोक सीता का नहीं है, तो सीता में कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। अब या तो तमसा श्लोक बोलेंगे या तो राम बोलेंगे। कुछ श्लोक वासंती के आएंगे, आपको दिख जाएंगे वासंती के श्लोक एकदम यूनिक हैं, एकदम डिफरेंट है, एकदम अलग है, और वासंती का जो जो कथन है वो आपको रात दिन दोपहरी संजा दोपहरे एकदम समझ आएंगे, क्योंकि वासंती ने जो करारा जवाब मांगा है ऐसा
पूरे उत्तराम चरित में फिर और कोई बोला नहीं है। तो एक बार और एक बार देख लीजिए, इयम ही सा, इयम ही सा। मुरला ने भी देखा किसको? सीता को। ये दोनों श्लोक सीता को देख के कहते हैं, एक बार सीता को देखिए तमसा के चश्मे से और एक बार सीता को देखिए मुरला के चश्मे से। सीता वही है, दोनों लोगों ने अलग अलग तरीके से देखा है। एक बार तमसा ने देखा, एक बार मुरला देख रही। मुरला ने भी ऐसे देखा, बोले किस लयमिव मुग्धम बंधना विप्रलोनम हृदय कमल शोषी दारुणो दीर्घ शोक। ग्लपयति परिपाण्डु क्षाममस्या शरीरम शरद जैव घर्म केतकी गर्भपत्रम शरद जैव घर्म इति परिक्रम निष्क्रांते इति शुद्ध विस्कंभा। इसके बाद घूमकर दोनों निकल जाती हैं मंच से। शुद्ध विस्कंभक यहीं पर समाप्त हो जाता है। विस्कंभक वो है जहाँ भूत भविष्य की घटनाओं को दो पात्र आके बोलते हैं। चूँकि दोनों नदी पात्र हैं, मध्यम पात्र हैं, इसलिए शुद्ध विस्कंभक है। बहुत सारी घटनाएं यहाँ बता दी गई कि सीता आ गई हैं, राम भी आ गए हैं, शंभूक मारा गया है, राम पंचवटी में प्रवेश कर रहे हैं, लोपामुद्रा ने पूछा, ये सारी भूत भविष्य की घटनाएं आपको इसमें बता दी गई। ये श्लोक सुनिएगा, बोले किस लयम इवो मुग्धम बंधना विप्रलूनम हृदय कमल शोषी। हृदय रूपी कमल को सुखाने वाला हृदय को भवभूति ने बताया। हृदय हृदय नहीं कमल है, हृदय कमल रूपक अलंकार। हृदय कमल शोषी, हृदय रूपी कमल को सुखाने वाला क्या? दारुणो दीर्घ। ये दारुण दीर्घ शोक, 12 सालों का शोक है। तो बोल मुरला ने कहा यह दारुण दीर्घ शोक किसका? दारुण दीर्घ शोक किसका? और सीता के हृदय कमल रूपी हृदय, यदि सीता का हृदय कमल है तो उस कमल को सुखा दिया है मानो इस दारुण दीर्घ शोक ने। समझ में आया? यदि दिल सही नहीं है, आपका हृदय सही नहीं है, तो चाहे जितना छुहारा मुनक्का खाओ और चाहे जितना छुहारा पकाए पकाए के दूध पियो, यदि दिल दुखा है तो सारा दूध काम नहीं देगा गुरु। नहीं तो आप खुश रहो, चपक के झूर रोटी प्याज के साथ चाँपो, सूख रोटी प्याज के साथ खाओ, उसका असर ज्यादा होगा। छुहारा मुनक्का काजू किशमिश, सवेरे रोवाई, दोपहरी रोवाई, संझा रोवाई, कष्ट में रहे, पति न माने, सास ताना मारे, ससुर आवे तो कुछ कहे, अब फिर बढ़िया सढ़ियान दूध मिले, पहले तो दूध पियावे न करे, अब चाहे जितना पियो उसका कोई असर नहीं होगा। इसलिए प्रसन्नता का शारीरिक शरीर पर असर होता है। सीता 12 सालों से राम के शोक में है। बात नीचे समझ में आए तो बताना। लिखा ग्लपयति, गला जा रहा है, परिपाण्डु पीला पड़ गया है, क्षामम दुबला पतला है, अस्याह शरीरम, अस्याह अस्याह कस्याह, इस सीता का शरीर क्षामम, क्षामम माने क्षामम शरीरम, बहुत क्षीण हो गया, दुबला पतला है, परिपाण्डु शरीरम, और ऐसा परिपाण्डु क्षामम अस्याह शरीरम ग्लपयति, गला रहा है। कौन दीर्घ शोक? ये राम का दीर्घ शोक, राम से दूर होने का ये 12 सालों का शोक सीता के हृदय कमल को मानो सुखा दिया है और सीता के शरीर को तिल तिल के मानो गला दे, गल गया है सीता का शरीर, पीला पड़ गया है सीता का शरीर, दुबला पतला हो गया है सीता का शरीर। बात समझ में आ रही? और कहा शरदि जैव धर्म, शरदि जैव, शरदि जैव धर्म केतकी, उपमा लेना भवभूति की, शरदि जैव, शरद काल, शरद माने शरद ऋतु में, ज माने पैदा होने वाला, घर्म माने धूप, घर्म माने, आप सब किसान के बच्चे हैं बैठे हैं तो आप जानते हैं शरदकालीन धूप, बरसात के बाद की जो शरदकालीन धूप आती है ना, जो आदमी शरद काल की धूप से बच जाए समझना कि अब जिंदगी में बीमार नहीं पड़ेगा।
शरद काल की थोड़ी सी धूप इतनी नुकसानदेह होती है कि जल्दी ही आप बीमार हो सकते हैं, और वो प्रकृति में दिखती, जर्रे जर्रे में दिखती है। शरद काल की धूप केतकी के गर्भ में विद्यमान, वह केतकी जो फूल है ना, उसके अंदर जो पराग है, उस पराग को भी सुखा देती है। कौन? केतकी, केत, शरदकालीन धूप। अब देखना, सीता का जो हृदय हृदय रूपी कमल है, वो तो शरीर के अंदर है, वो शरीर के, तो जो केतकी के गर्भ में जो पत्र है, केतकी के गर्भ, वो भी तो केतकी के पत्रों के बीच में है, तो पहले तो ऊपर का सूखना चाहिए, तो ऊपर का तो सूख ही रहा है। भीतर जो कई तहखाने के अंदर केतकी के बहुत सारे फूलों की पंखुड़ियों के बीच में पराग है, उसको भी शरदकालीन का धूप सुखा देता है। बाकी ऊपर वाली पंखुड़ियों को तो सुखाएगा ही, सीता का शरीर ऊपर से भी सूखा है। ऐसे ही राम का यह शोक सीता के भीतर जो हृदय है ना, उसको भी हृदय कमल शोषी, ये हृदय कमल शोषी दीर्घ शोक, वैसे ही जैसे सर्दी जीव घर्मा केतकी गर्भ पत्रम ग्लपयती, जैसे शरदकालीन की धूप केतकी के गर्भ में विद्यमान पराग कणों को भी सुखा देता है, ऐसे राम का यह दीर्घ शोक सीता के हृदय को भी मानो सुखा दिया है। बोलो हाँ, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि केतकी का बाहरी हिस्सा पूर्ण रहता है, बचा रहता, वो तो सूखता ही है। तो राम के शोक का सीता के बाहरी शरीर पर तो असर पड़ा ही पड़ा है, बट भीतरी जो जिसमें जिसमें धूप नहीं लगनी चाहिए थी, जैसे शरदकालीन धूप भीतर नहीं जानी चाहिए थी, लेकिन बाह्य गर्मी ही इतनी थी कि उसका, आपने देखा होगा कि धूप बड़ी तगड़ी धूप निकली हो और आप कमरे के अंदर बैठे हो, धूप में नहीं खड़े, पसीना तब भी आ रहा है, क्यों? आप घर के अंदर बैठे हैं, इतनी मोटी मोटी दीवारें बनाई हैं, बाहर इतनी गर्मी है कि उसका असर घर के गर्भ में विद्यमान आप में पड़ रहा है। मई जून की गर्मी याद आई, तो केतकी गर्भ पत्रम वैसे ही कि बाहर जो शरदकालीन धूप होती है उसमें इतनी तीव्रता होती है, इतनी तीक्ष्ण, जिसको कहते हैं उमस, घमस जिसको कहते हैं, अगर धूप उतना नुकसान नहीं करता जितना उमस घमस नुकसान करता है गुरु, और इसकी ये भीतर तक असर डालता है, और इसमें आदमी इसी 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 समय में घमस ज़्यादा, उमस जिसको गांव में कहते हैं, वो ज़्यादा नुकसान करती है। ऐसे किसले में मुग्धम और बंधनात विप्रलूनम, वह किसले के समान, किसले होता है नया नया पत्ता, और वो बंधन माने बंधन से जुड़ा होता है, मुग्धम माने बड़ा कोमल होता है, बड़ा मुग्ध होता है, और वो भी मानो विप्रलूनम माने टूट जाए, वो भी मानो अपने डंठल से, किसले समझ गए, किसले माने पेड़ से जुड़ा हुआ उसका नया नया पत्ता, यदि पेड़ की टहनी से नया पत्ता टूट के गिर जाए तो कितनी देर तक उसमें सुंदरता रहेगी बताइए, या कितनी देर वो दुर्बल होगा कि नहीं, वो सूखेगा कि नहीं, और वो तो टहनी से टूटा कि 15 मिनट बाद उसकी सुंदरता समाप्त हो जाएगी, सिकुड़ने लगेगा, थोड़ी शाम तक में देखेंगे तो वो किसले तब तक खत्म हो चुका होगा, सूख के एकदम कांटा पतला हो चुका होगा, एकदम समाप्त हो चुका होगा। ऐसे ही राम हैं सीता के लिए पेड़, और सीता हैं अपने राम के लिए किसले, पेड़वा से किसले हो गया अलग, सूखना तय है, पेड़ पर बहुत असर भड़े ना पड़े पर किसले पर तो असर पड़ेगा। सीता का सारा जीवन राम रूपी पिणहरा से जुड़ा हुआ था, राम नहीं तो सीता का सारा अस्तित्व खतरे में पड़ गया। इसीलिए मैं कहता हूँ, उत्तर रामचरितम नहीं, उत्तर सीता चरितम। आप देखेंगे जब कभी भी सीता की ओर से भवभूति को कुछ कहने को मिलेगा, तो यहाँ इन्होंने राम को बनाया कि भाई ये टहनी है, ये शाखा है, ये पेड़ है, और सीता किसले हैं, इसीलिए कहा किसलयमिव मुग्धम बंधनात् विप्रलूनम, बंधनात् बंधन से, विप्रलून माने छूट गई हैं, ऐसी भोली भाली हमारी सीता राम से दूर होकर के वैसे ही सूख गई हैं, जैसे पेड़ों से किसले अलग हो जाए, नया नया पत्ता जब वो अलग हो जाए तो जैसे वो सूख जाता है, ऐसे सीता जी भी क
कर लेंगे। बोले किस लय में मूर्धम बंधनाद विप्रलोनम हृदय कमल शोषी ग्लपयति परे पांडो क्षाम शरीरम एव धर्म न नमयुते। अब देखना यहाँ शोक है किसका, राम का शोक किसका है। तो इसीलिए यहाँ पूछता है कभी कभी ये पंक्ति दे करके कि कौन सा अलंकार है। तो शोक से तुलना की गई है किसकी, भाई राम का शोक किसकी तरह है। यहाँ लिखा है शरद जी वो धर्मा की तरह, तो शरतकालीन धूप ऐसे ही राम का शोक। तो शरतकालीन धूप का असर पड़ा केतकी गर्भपत्रम में और राम के शोक का असर पड़ा सीता पर। तो सीधा सीधा आपको एक अलंकार दिखाई पड़ रहा होगा, उपमा। क्या तो मान लो ये लाइन दे दे परीक्षा में पूछ ले, शरद जीव धर्मा केतकी गर्भ, उपमा अलंकार कौन सा अलंकार, ऊपर आना हृदय कमल। आप कर्मधारय समास पढ़े तो उसमें रूपक कर्मधारय भी आपने पढ़ा होगा। हृदय को कमल के समान कोमल बताया, हृदय को का हृदय कमल शोषी, हृदय कमल शोषी दारुण दीर्घ शोक। ये दारुण दीर्घ शोक राम का है, किसका असर इसका किसके ऊपर पड़ा, सीता कर लेंगे। हाँ, और लक्षण पूछ लेगा तो मालिनी छंद है, 15 अक्षर होते हैं, शुरुआत में नगड़ नगड़ होता है, ना ना मा या नगड़ नगड़ मगण यगण यगण न न मायम मालिनी। और यहाँ तक उत्तराम चरितम के तीसरे अंक का विष्कम्भक है, पूछ ले कैसा विष्कम्भक है, शुद्ध विष्कम्भक है। दो नदियों की बातचीत है तमसा और मुरला की, मुरला लोपामुद्रा के द्वारा भेजी गई है, गोदावरी के पास संदेशा देने आई है, और तमसा गंगा के द्वारा भेजी गई है, सीता के साथ इनको यहाँ पर रहना है। आगे की कथा कल, फिर 10:30 बजे हम आपको यहाँ मिलेंगे, 10:30 बजे से 3:30 बजे तक हमारा साथ दे